हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। सो गाइस, आज हम पहुंच चुके हैं गुमरगुंडा में। गुमरगुंडा गाइस ये हाईवे सड़क में पड़ता है आपका गीदम से बीजापुर जाने मार्ग पे। इधर पे देख रहे हैं ये जो मार्ग है गाइस ये बीजापुर की ओर जाता है, और इधर मेरे जस्ट सामने देख रहे हैं जहाँ से सामने जो स्कूटी गुजर रही है ये आपको कनेक्ट करता है गीदम रोड। यहाँ पे एक बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है जहाँ पे आज आपको दर्शन कराने वाले हैं। तो चलिए इस गुमरगुंडा में जाकर दिखाते हैं कि गुमरगुंडा में आपको दर्शन करने के लिए इस मार्ग से होते ही आपको जाना है, आपको मार्ग दिखाते हैं। फिलहाल गाइस ये जो गुमरगुंडा का बोर्ड है अंदर जाने से पहले थोड़ा सा आगे है, आपको पीछे जाना पड़ेगा। तो चलिए जाके दिखाते हैं गुमरगुंडा जाने वाला मार्ग जहाँ से आप भगवान शिव का दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस गुमरगुंडा मार्ग। तो गाइस ये वो मार्ग है जहाँ पे आप दर्शन करने जाएंगे भगवान शिव का। ये गुमरगुंडा जाने वाली मार्ग है और यहाँ पे ये बोर्ड दिख जाएगी, मतलब श्री शिवानंद आश्रम लिखा होगा। इसी मार्ग से होते हुए आपको गुमरगुंडा मंदिर जाना है। रोड देख रहे हैं किस तरीके से हो रखा है, इसी रोड से होते ही आपको जाना है। और मार्ग गाइस काफी अच्छे हैं, सीसी रोड पूरा आप लोग को मंदिर तक ले जाएगी। गाइस गुमरगुंडा जो है गीदम से 10 से 12 किलोमीटर के बीच में पड़ेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज गुमरगुंडा का फेमस ऐतिहासिक मंदिर। तो चलिए आज है हम लोग छत्तीसगढ़ स्टेट के बस्तर जोन के दंतेवाड़ा जिले में। काफी सारे यहाँ पे लोकल लोगों ने डिमांड किया था कि गुमरगुंडा को एक्सप्लोर करके दिखाओ। तो उन सभी के डिमांड के हिसाब से मैं आज आप लोगों को गुमरगुंडा एक्सप्लोर करके आप लोग के सामने ला रहा हूँ। ये पीछे के नजारे देख सकते हैं गाइस, ये पूरा पानी के टाइम में पूरा पानी भर गया था। फिलहाल बीच में जो है भोलेनाथ जी विराजमान है, और मंदिर के नीचे से देख सकते हैं जस्ट पानी आ रही है। ये जो पानी आ रही है गाइस ये पहाड़ी पानी है, पहाड़ से निकल के यहाँ पे आ रही है, और बीच से मंदिर के नीचे से पानी इधर आ रही है और इधर नीचे की ओर जा रही है। तो देख सकते हैं यहाँ के हालात कुछ इस तरीके से हो रखे हैं इन दिनों। कुछ लोग यहाँ पे भी पूजा करते होंगे, है ना। नहीं के रास्ते इस तरीके से शिवलिंग है, अंदर में भी जाएंगे। पुजारी जी है क्या? तो चलिए आपको अंदर ले जाके दिखा रहे हैं शिवालय के अंदर में। यहाँ पे इधर किनारे इधर है शंकर भगवान है, और यहाँ पे शिवलिंग है देख सकते हो इधर, और यहाँ पे नांग देवता जी हैं। तो अभी हम मंदिर के अंदर गाइस प्रवेश कर रहे हैं और आप लोग को दर्शन करा रहे हैं। तो कुंड जैसा नजर आ रहा है इधर, अगर नजर मारे देख सकते हो यहाँ पे, शायद उधर से दिखती होगी, यहाँ पे एक ऐसा गड्ढे जैसे हैं। तो चलिए अंदर ले जाके दिखा रहे हैं। और ये पहाड़ों में गाइस बहुत सारे ऋषि मुनियों के स्टेचू लगा हुआ है, देखो लाइन से अलग नाम होंगे। और बाजू में जो है शिवलिंग है ना, शिवलिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 3 शिवलिंग है ऐसा कहते हैं, हमें तो नहीं पता लेकिन हम फर्स्ट टाइम आए तो देखते हैं और पूरा आप लोग को दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए ये पहले ज़माने की मूर्ति है, यहाँ पे शिवलिंग है, वहाँ पे भी मूर्ति है। यहाँ पे गणेश भगवान का भी दर्शन कर सकते हो, लाइव दर्शन कीजिए गणेश भगवान का। और गणेश भगवान का इन दिनों जन्मोत्सव चल रहा है तो आप गणेश भगवान का यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। और ये नीचे देख सकते हैं यहाँ पे ये इसे माता पत्थर कुछ कहते हैं यहाँ पे लोकल लैंग्वेजेस में, इसको साइंटिफिक तो अलग अलग नाम से जानते होंगे इस पत्थर को। ये गाइस डायमंड टाइप का कटा कटा दिखती है ना। तो चलिए ऊपर भी बाद में जाएंगे, फिलहाल यहाँ पे नहीं, अगर आप अंदर घुसेंगे तो यहाँ पे नंदी बैल देख सकते हैं, यहाँ पे है तो नंदी बैल का भी दर्शन कर सकते हैं आप। ये देखिए सामने साक्षात नंदी बैल जी हैं, और इधर शिवलिंग है। गुमरगुंडा का जो मंदिर है यहाँ पे 3 शिवलिंग एक साथ है, देख सकते हो। जब भी कोई श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे एक साथ तीनों शिवलिंग में पूजा करके जाते हैं, देख सकते हो। इधर इधर लाइन से अगर देख रहे हैं तो 3 शिवलिंग है। जब हम यहाँ पे पहुंचे तो आरती हो रही थी, अभी आरती करके बाकी लोग हैं चले गए हैं ना गाइस। भीड़ जो रहता है सबसे ज्यादा भीड़ रहता है नवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन। अभी जो ब्लॉग शूट हो रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं, इन दिनों भगवान गणेश का दिन चल रहा है, यानी कि गणेश चतुर्थी चल रही है। तो उसी टाइम में हमने कोशिश की कि आप लोगों की कैरी की पूर्ति करें, काफी सारे लोग बोले थे कि गुमरगुंडा दिखाओ। तो यही वो जगह है जहाँ पे 3 शिवलिंग एक साथ है, इसी के वजह से जो है हमारा गुमरगुंडा प्रसिद्ध है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, और दिन इसका बेस्ट टाइम रहता है मंडे को बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। अभी गाइस टाइम हो गया 12 बज रहा होगा जब हम यहाँ पे विजिट किए, लाइव दर्शन कीजिए गाइस भगवान भोलेनाथ के 3 शिवलिंग का, और आपकी जो भी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए तो आप लोग लाइव दर्शन कीजिए। ये प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं,
और यहाँ पे बाजू में, इसके बाजू में गाइस आप लोग को दुर्गा माता दिखेगी उनके साथ, ये देख सकते हो अंदर में, यहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हो। वहाँ दर्शन करने के बाद पंडित जी हैं, ध्यान बैठे, थोड़ी देर बताएंगे, ध्यान में बैठे हैं। अच्छा चलो ठीक है, नज़ारे बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे आ सकते हो और काफी ग्रीनरी से ढका हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए हर यहाँ पे गाइस जगह जगह पे जो है नंदी बैल है, यहाँ पे देख सकते हो इधर भी नंदी बैल है ना, ये पे इधर भी शिला है, कुछ शिला है यहाँ पे। और ये देखिए इधर अंदर ले जाके दिखा रहे हैं, और ये शायद कुछ मठ होना चाहिए, तो चलिए अंदर ले प्रसाद ग्रहण। आप लोगों के सामने साक्षात भोलेनाथ जी है, यहाँ से आप भोलेनाथ का भी दर्शन कर सकते हैं। मैं तमाम चार पांच त्रिशूल है, यहाँ बहुत अच्छा, यहाँ पे पीसफुल जगह है, काफी ज्यादा शांति प्रिय जगह है यहाँ पे, और हर तरफ नंदी बैल है। ये देखिए यहाँ पे काफी खूबसूरत सा कुटिया बना हुआ है, इधर हवन कुंड की हालत कुछ इस तरीके से हो रही है, और नजारे गाइस देखिए यहाँ पे, इसको देख के आपको ऐसा लगेगा कि हम अपना राम भगवान के कुटिया को देख रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से इसे सजाया गया, देख सकते हो घास फूस से बनाया गया है। इस मानसून में तो हवन कुंड की जो हालत है अभी पूरी जर्जर हो रखी है, और किनारे देखें तो ये वही पानी की बात कर रहा था गाइस, यही पानी जो है मंदिरों के नीचे से पानी है, ऐसा ये मंदिर बना है, इसी के बीच में मंदिर बना हुआ है, तो उसके नीचे से पानी जा रही है ना। तो चलिए दिखाते हैं, और बहुत बड़ी सी स्तंभ बनी हुई है यहाँ पे देख सकते हो, हर स्तंभ के चारों तरफ यानी कि चार वर्गकार रूप में बना हुआ है, नीचे नंदी बैल है, और हर लाइन में देखेंगे हम लिखा हुआ है, सबसे नीचे नंदी बैल है। इधर देखेंगे तो इस सामने से फ्रंट व्यू से देखेंगे तो आपको शिवलिंग दिखेगा, मतलब इसके चारों कोनों में अलग अलग टाइप का है, और बीच में एक शिवलिंग है, यहाँ पे देख सकते हो इधर, ये देख रहे हैं यहाँ पे शिवलिंग बनी हुई है ना। चलो अंदर में भगवान गणेश जी है बोलते, अंदर जाकर देखते हैं जो देखते। ये वाला तो ये पास थोड़ा सा लाइट इशू है, तो आप लोग को भगवान गणेश का भी दर्शन कराते हैं। अगर आप लोग घुमरगुंडा आ रहे हो इन दिनों तो आप भगवान गणेश का भी दर्शन कर सकते हैं। पे भगवान गणेश जी है यहाँ पे बैठा है, जी का भी दर्शन करा रहे हैं। यहाँ से आप जो भी मनोकामना गणेश जी से मांगो, जैसे कि हम लोगों ने ढोलकल गणेश में आपको गणेश जी का दर्शन कराया था, सेम टू सेम वैसे ही है, तो आप यहाँ से लाइव दर्शन कीजिए गणेश भगवान का। और यहाँ पे मंदिर है जो कि पहले 41 साल पुराना, यहाँ पे ऐतिहासिक चीजें हैं वो सबको दर्शन कराएं, किनारे किनारे भी काफी सारे ऐतिहासिक चीजें हैं, तो आप लोग को दर्शन करने मिलेगी। चलिए यहाँ पे देखिए ऊपर आने के बाद नज़ारे कुछ इस तरीके से मिलते हैं, यहाँ पे काफी सारे हवन कुंड एक साथ बने हुए गाइस, ऐसे देखिए ये बीच में हालात बहुत जर्जर हो रखी है इन दिनों बारिश में, पूरा कुटे उटे उड़ गया है ना। और देखिए बहुत बड़ी खंभे हैं इधर, बहुत बड़ी स्तंभ है मेरे सामने देख सकते हो, पूरा नजर उठा के देखना पड़ेगा, और सामने स्तंभ है। चलिए अंदर ले जा दिखा रहे हैं आप लोगों को, और यहाँ से भी नज़ारे किनारे बाद में दिखाते हैं, अंदर में मंदिर है तो भगवान जी का दर्शन कराते हैं, और ऊपर में भी काफी सारे मूर्तियां बनी हुई है, अंदर में भी देखिए यहाँ पे बनी हुई है, तो चलिए अंदर में ले जाके दिखा रहे हैं आपको, सभी दर्शन करा रहे हैं आप लोगों को। ये देखिए साइड साइड में यहाँ पे भी मूर्तियां है ना, इधर पे भी देख रहे हो, यहाँ पे भी मूर्तियां हैं, देख सकते हो यहाँ पे, ये देख रही है यहाँ पे भी मूर्ति है, गुंबद जैसा बना हुआ है गाइस, ऊपर देखेंगे पूरा गुंबद जैसा बना हुआ है ऊपर में, जिसके वजह से क्या आवाज थोड़ा गूंज रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे सरस्वती माता विराजमान है यहाँ पे अपने, और यहाँ पे देखिए ये पूरा गाइस चुनरी से ढक दिया गया, तो पहचानने में थोड़ी दिक्कत भी हो रहा है, यहाँ से आप दर्शन कीजिए भगवान का गणेश जी, तो यहाँ से आप लाइव दर्शन कीजिए। पीसफुल जगह यहाँ पे काफी ज्यादा लोग यहाँ पे जो है दर्शन करने आते हैं भगवान भोलेनाथ का। आप जब नीचे दर्शन करने आ रहे हैं तो ऊपर में भी पूछिएगा किसी को भी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में भी है दर्शन करने के लिए, नीचे देख सकते हो यहाँ पे ऋषि मुनि, यहाँ पे जैसे कि पहले दिखाया, चले इधर जाकर दिखा रहे हैं कि यहाँ से जो नज़ारे हैं इन दिनों दिख कैसे रहे हैं ना। ये देखिए यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगी आपको यहाँ से, और नीचे बहता हुआ कलकल पानी जो कि बहुत रफ्तार से बहता हुआ दिख रहा है आप लोगों को, बहुत अच्छा अनुभव रहेगा और आपको अच्छा शांति मिलेगा, हर तरफ यहाँ पे सुकून ही सुकून है, यहाँ पे शोर शराबा कुछ नहीं है, भोलेनाथ जी शांति मुद्रा में वहाँ पे बैठे हुए, तो वही वाली फीलिंग आपको आएगी, वही पीसफुल जगह मिलेगी आप लोगों को। देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा धूप हो रखा है यहाँ से,
और इधर भी साई साई बाबा, ये देख सकते हो यहाँ पे आशीर्वाद मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए दर्शन कर लीजिए, आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इधर इस तरीके से दिखते हैं, ये देखिए कुटिया गई से यहाँ पे, तो अभी पंडित जी वहीं पे बैठे हुए हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और देखते हैं नीचे जाते जाते और क्या मिलता है, वो सबको कवर करेंगे। काफ़ी ज़्यादा धूप हो रखा है, कोशिश की घूमर गुंडा के सारे मंदिरों को एक्सप्लोर करने के लिए, अच्छी तरीके से दिखाने के लिए। हालांकि गाइस हम लोग पहुँचने से पहले आरती हो चुकी थी, नहीं तो आरती होते हुए भी दिखाता। तो कोई ना, आप लोगों ने पूरा आज घूमर गुंडा मंदिर का पूरा टूर कर लिया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और कहाँ कुछ ऐसी ऐतिहासिक मंदिर है आप लोग जरूर बताना। तो इस मंदिर की बात करें तो गाइस ये बहुत पुराना मंदिर है, 40 साल पुराना है, तब का है ना। यहाँ पे एक वैदिक शिक्षा दिया भी जाता है, वो आश्रम भी है। उस आश्रम कहाँ है हमें पता नहीं है, शायद आसपास बच्चे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है घूमर गुंडा में आपको वैदिक शिक्षा भी दिया जाता है। वैदिक शिक्षा गाइस जिनके माता पिता नहीं है ऐसे बच्चों को जो है वहाँ पे ला के वैदिक शिक्षा दिया जाता है। और ये काशी से कनेक्ट है, ऋषिकेश काशी, आप सुने जैसे कि मैंने पिछली दफा केदारनाथ जब ट्रेवल किया था आपको ऋषिकेश को भी दिखाया था, तो वहाँ से ये कनेक्टेड है। तो यहाँ पे इस मंदिर के साथ साथ यहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी तो हैं, तीन शिवलिंग तो है, त्रिशिवलिंग, उनका तो दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु। साथ साथ यहाँ पे बच्चों को भी एक सांस्कारिक शिक्षा दिया जाता है, वैदिक शिक्षा दिया जाता है। नीचे आप बच्चे देख रहे थे होंगे, वो सब जो है यहाँ पे वैदिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो चलिए गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं न्यू प्लेस में एक्सप्लोर करने के लिए। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। मंदिर को दर्शन करने के बाद इधर से सीढ़ी है, इधर से मैं जहाँ से आपको शुरुआत किया था वहाँ पे आपको सीढ़ी दिखी होगी, उस सीढ़ी से भी आके आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ अलग अलग टाइप की मूर्तियाँ बनी हुई है, अलग अलग भगवान के, है ना, है ना। ये अंधेरा हो रखा है पूरा, झाड़ियों में ढक गई है फिलहाल। जस्ट नीचे ऋषि मुनियों के काफ़ी सारे मूर्तियाँ हैं, ये देखिए। हाँ, तो नाम तो पता नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ पे नाम लिखा नहीं गया है। और ये देखिए यहाँ पे भी मूर्ति है, ये देख सकते हो, ये गाइस से बहुत ऐतिहासिक मूर्तियाँ पहले की बनी हुई। यहाँ पे एक शिला रखा हुआ है, इधर भी देखिए यहाँ पे भी शिवलिंग है ना। तो इधर से आप सीढ़ियों के द्वारा भी आके यहाँ पे ऐसा दर्शन कर सकते हैं। दिखाया जैसे हम लोग जिधर से आए उधर से भी आके आप ऐसे दर्शन कर सकते हैं।